हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 16। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। ऑप्शन एक में बढ़ती है, ऑप्शन दो में घटती है, ऑप्शन तीन में ही वैसे ही रहती है, ऑप्शन चार में सहसा गिर जाती है। आंसर होगा वैसे ही रहती है। क्वेश्चन नंबर 17। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे ऑप्शन नंबर एक उष्मा प्रदान करते हैं, ऑप्शन नंबर दो उष्मा का विकिरण नहीं करते, ऑप्शन नंबर तीन वायु को शरीर के साथ संपर्क में आने से रोकते हैं, ऑप्शन नंबर चार शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। आंसर होगा शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। रेफ्रिजरेटर में शीतन किस प्रकार होता है? ऑप्शन नंबर एक फ्रीजर में जमा हुई बर्फ द्वारा, ऑप्शन नंबर दो पीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा, ऑप्शन नंबर तीन वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा, ऑप्शन नंबर चार इनमें से किसी के भी द्वारा नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीन वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लघु तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंग में अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? आंसर होगा लघु तरंगों पर वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन एक में है नूल और रुस्का, ऑप्शन दो में है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन तीन में है लीवनहुक, ऑप्शन चार में है सीपी स्वानसन। आंसर होगा नूल और रुस्का। क्वेश्चन नंबर 21। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या कारण है? ऑप्शन नंबर एक उस पर बाहर की ओर घर्षण, ऑप्शन नंबर दो गति का जड़त्व, ऑप्शन नंबर तीन संवेग में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर चार त्वरण में परिवर्तन। आंसर होगा गति का जड़त्व, क्योंकि हमारा शरीर कमर से ऊपर फ्री रहता है और कमर से नीचे सीट और बस के बेस से जुड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है इसकी समय अवधि 24 घंटे है, दूसरा ऑप्शन है इसका कोणीय वेग पृथ्वी के अपने अक्ष पर कोणीय वेग के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर तीन है यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है, ऑप्शन नंबर चार है यह विश्व के ऊपर पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमण करता है। आंसर होगा यह अंतरिक्ष में एक जगह स्थिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक एक में बढ़ता है, दो में है अपरिवर्तित रहता है, तीन में घटता है, चार में बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। आंसर होगा घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंगे किसमें से नहीं गुजर सकती है? एक में है निर्वात, दो में है ठोस, तीन में है द्रव, चार में है गैस।
आंसर होगा निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत अवक्षेपित यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का उपयोग किसके प्रदूषण के नियंत्रण के लिए किया जाता है? ऑप्शन एक में वायु, दो में जल, तीन में शोर, चार में तापीय। आंसर होगा वायु, जो कि अभी दिल्ली में अधिक प्रदूषण के वजह से इसे लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण है वेंडरवाल के बल। ऑप्शन नंबर दो में द्विध्रुव आघूर्ण, ऑप्शन नंबर तीन में हाइड्रोजन आबंध रचना, ऑप्शन नंबर चार में सहसंयोजन आकर्षण। आंसर होगा हाइड्रोजन आबंध रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग और कुकर को गर्म करता है? प्राबैंगनी, लाल प्रकाश, अवरक्त, अंतरिक्ष किरणें। आंसर होगा अवरक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y बराबर mt प्लस v द्वारा निरूपित हो तो कण चल रहा है ऑप्शन नंबर एक में एक समान चाल के साथ, एक समान वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ, परिवर्ती त्वरण के साथ। आंसर होगा एक समान त्वरण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? ऑप्शन नंबर एक में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, दो में है मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया, तीन में है गुगली एल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा, चार में है राइट बंधुओं ने सफलतापूर्वक विमान उड़ाया। आंसर होगा गुगली एल्मो मार्कोनी ने प्रथम बेतार संकेत भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है कुत्ता, बिल्ली, सांप, चमगादड़। आंसर होगा चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई देने का कारण है? पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय जलवाष्प, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का परिकीर्णन, तीसरा ऑप्शन है समुद्री जल पर परावर्तन, चौथा ऑप्शन है सूर्य द्वारा नीले तरंग दैर्ध्य का उत्सर्जन। आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो किस प्रकार की ऊर्जा को रूपांतरण करने का एक साधन है? एक में है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दो में है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तीन में चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चार में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? जॉनसन प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, एडिसन प्रभाव पर, दाब यानी पाइजो विद्युत प्रभाव पर। आंसर होगा दाब विद्युत प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्यों लगता है कि खुले में बड़ी आग को तेज पवन भड़का रही है? पहला ऑप्शन है क्योंकि आग पर और उसके इर्द गिर्द पवन का सतत परिसंचरण होता है, दूसरा ऑप्शन है क्योंकि पवन के साथ धूल कण आते हैं, तीसरा ऑप्शन है क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है, तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा क्योंकि आसपास की गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी वायु प्रवेश करके आग को भड़काने जैसा प्रभाव डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है चढ़ता है क्योंकि?
तेल बहुत हल्का होता है, बत्ती में से तेल का विसरण होता है, पृष्ठीय तनाव परिघटना के कारण, और अंत में कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। आंसर होगा कोशिकीय क्रिया परिघटना के कारण। तो दोस्तों मैं